नमस्कार, कैसे हैं आप सब? रेडी टू टेक ऑफ? पेन कहां पर होगा? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, गाने सुने होंगे आप सभी लोगों ने कई देर। मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है? आप लोग रेडी लिखकर अपनी प्रेजेंस मार्क करेंगे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कि आप सभी लोग तैयार हैं। और उम्मीद है कि आप सभी का लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी हुई होगी। हम स्पीड में चलेंगे, इसमें कोई गैप नहीं है। कुछ बातें जैसा मैं हर बार शुरुआत में बोलता हूं, आज भी बोलूंगा। क्या लोगों के कमेंट आए? यस, रेडी, ओके। सो आप सभी लोग लिखेंगे रेडी, जो लोग तैयार हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ बातें क्लियर कर दूंगा स्टार्ट करने से पहले कि क्या गलतियां आप लोगों से हो रही हैं या मेरे पास मैसेजेस आ रही हैं, वो कहां पर अटके हुए हैं कि हम आगे एक स्पीड में बढ़ सकें। आप तब तक जूम कोई गैप नहीं है, हटा के आप चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जी, सो अगले 5 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना भी अभी तक मैंने कराया होगा वो आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ऑल क्लियर नहीं होगा। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब मेरे घर की डायरेक्शंस ये हैं, मेरे घर की डायरेक्शंस में यहाँ पर टॉयलेट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर बेडरूम है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर किचन है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, या अलग अलग उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये बोलूंगा कि स्पीड में चलें, जिस स्पीड से आपको सिखाने की कोशिश है। अपने अपने घरों को, दुकानों को एक बार के लिए छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको यही सिखाया है कि सेंटर कैसे मार्क करते हैं एक घर का, पंच तत्व क्या हैं, वो कैसे एक दूसरे के एंटी हैं, कैसे एक दूसरे को बनाते हैं, कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। और साथ में हमने अलग अलग जोन्स के एट्रीब्यूट्स याद किए। उन जोन्स में, उन डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट है तो उसके क्या, उससे क्या इफेक्ट्स हमें मिलते हैं लाइफ में, हमने ये चेक किया। बेडरूम के क्या इफेक्ट्स हैं, हमने ये चेक किया। किचन के क्या इफेक्ट्स हैं, हमने ये चेक किया। उसकी रेमेडीज क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इनको अपने अपने प्लान्स पर मार्क कैसे करते हैं वो भी हम चेक करेंगे। सो आई थिंक आप सभी लोग रेडी होंगे। कुछ लोगों ने लिखा है ग्रुप में, रेडी सर प्लीज सेंटर दोबारा मार्क, सेंटर दोबारा से करवा दीजिएगा, बाकी एवरीथिंग इज क्लियर। परफेक्ट, करवाएंगे गौतम जी। साउंड नहीं आ रही, कुछ एक या दो लोगों को नहीं आ रही तो अलग बात है, सभी को नहीं आ रही तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि साउंड नहीं आ रही। परफेक्ट। और कुछ लोग हर बार की तरह लेट हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है 2:30 बजे आप सभी लोगों को सेशन में आना है। उसका कारण क्या है, कुछ टेक्निकल ग्लीचेस होते हैं, उसमें किसी को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम 2:30 बजे आने को सबको बोलते हैं, ताकि उस आधे घंटे के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लीचेस अगर हो तो वो आप लोगों के एंड पर ना आए और हम लोग आप लोगों से बात आराम से कर पाए। सभी लोगों ने गाने सुने, लास्ट वाला गाना रोज सुनिए, बड़ा अच्छा गाना है, अपने एल्डर्स के लिए, अपने घर की बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, गल्ला सच्चियां। आप सब लोग इसको सुनिए, करता है कहीं ना कहीं हम सबके मन से। हम थोड़ी देर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आ गई साउंड, बहुत अच्छा। सेंटर मार्किंग ऑफ ड्यूप्लेक्स हाउस अभी आएगा, अभी अभी आएगा ये वाला सेशन। अभी बहुत
धीरे धीरे चल रहे हैं हम, बहुत बेसिक सीखा है कि एक घर का सेंटर होता है और 16 तरीके की दिशाएं हैं, उन 16 तरीके की दिशाओं में 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों में कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है या वहां पर टॉयलेट बेडरूम या किचन होने से क्या होता है। कुछ लोग आई हैड सेंड माय क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप स्टिल नॉट आंसर्ड, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि व्हाट्सएप पर आपने क्वेरी दी है वो आंसर नहीं हुई, मैंने ही रोक रखा है कुछ लोगों की क्वेरीज जो है वो मैं सेशन में ही आंसर करूंगा, व्हाट्सएप पे आंसर ना करूं। कुछ लोगों ने एक और गलती की है रेडी रिकर्नर्स बनाने की। रेडी रिकर्नर्स क्या होते हैं? जो मेरा सेशन है उसके नोट्स बनाने की। देखो नोट्स अगर देने होते तो मेरा पूरा सेशन ही फ्री है, मैं आप सभी लोगों को नोट्स भी दे सकता हूं। नोट्स एक फिक्स्ड माइंडसेट बन जाता है, आपका माइंड इवॉल्व नहीं हो पाता। लेट से कि मैंने आपको लिख के दे दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन के ये 5 एट्रीब्यूट्स हैं, आप लोग क्या करोगे? इन 5 एट्रीब्यूट के ऊपर ही हमेशा बात करते चलोगे। फिर मेरा मानना यह है कि सीखो, नॉर्थ डायरेक्शन के कोई सिर्फ 5 ही एट्रीब्यूट नहीं है, बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं और बहुत से एट्रीब्यूट्स आपको देखते आना चाहिए। इसलिए उनको रटिए ना, उनको कोशिश कीजिए कि वो आपको समझ में आए। इसलिए रेडी रिकर्नर्स मत बनाइए। मैं आपको बहुत टाइम दे रहा हूं एक एक हफ्ते का, जिसमें आप उनको याद कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए अलग अलग जगहों पर, ये आपको हेल्प करेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मनाई मेरी तरफ से नहीं है। इस कोर्स के लिए मेरा पर्सपेक्टिव है कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आए, ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप सभी लोग दोबारा से कोई जुगाड़बाजी में इन्वॉल्व हो जाओ। आप सभी लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए, आप किसी का वास्तु अच्छे से कर पाओ, इसलिए हमने इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। तो रेडी रिकर्नर्स की जरूरत नहीं है, आप उसको मत बनाइए। और दिखाओ कौन कौन है। नमित है की? हाँ जी नमित। सहयोगी कौन कौन है यहाँ पर? सविता जी हैं, अमन है, नमित है और कुछ, बहुत सारे लोगों का इंटेंट आ रहा है कि हम सब लोगों को सहयोगी बनना है। सहयोगी बनने के लिए क्या करना है? आप सभी लोगों को एक अलग नंबर मैं आज दे दूंगा, मुझे अभी नंबर नहीं पता, अभी थोड़ी देर में वो नंबर आप लोगों को दे दूंगा। उस नंबर पर मैसेज डालना है कि हमें भी सहयोगी बनना है। उसमें करना क्या है, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? हम आसपास लोगों को जोड़ रहे हैं आचार्य पंकित गोयल से, साथ ही साथ में एक फाउंडेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जो भी पैसा हम सब लोग मिलकर कमाएंगे वास्तु से, उसका 50% पैसा डायरेक्टली उन सभी लोगों की हेल्प के लिए जाएगा जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्पेशली एल्डर्स या जो वृद्ध लोग हैं जिनकी लाइफ में बच्चों के कारण, बच्चे ना होने के कारण या बच्चों के कारण कोई भी प्रॉब्लम है, उनके पास जाएगा। गवर्नमेंट के साथ में ऑथराइजेशन की बातें चल रही हैं, जैसे ही हो जाएगा तो जितना भी पैसा हम लोग जनरेट करेंगे सहयोगी के साथ में मिलकर, वो पैसा उन लोगों की हेल्प में या उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाएगा। डन, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे भी सहयोगी बनना है। स्टिल पोर्शन हाफ बिल्डिंग, हाउ टू गेट सेंटर, सेंटर मार्किंग ऑफ ड्यूप्लेक्स हाउस आ गई है। डन डन, आगे बढ़े आगे। सबसे पहली बात जो आप सभी लोगों से करनी है वो ये कि लर्निंग के लिए तैयार रहें, हम लोग सीखने के लिए तैयार रहें। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मेडिटेशन का एक्सपीरियंस, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन किया था। किन किन ने किया था, अपना हैंड रेस करेंगे स्क्रीन पे। कैसा एक्सपीरियंस था? कैसा एक्सपीरियंस था, लिख देंगे कोई कि कैसा एक्सपीरियंस था? एनर्जीज फील हुई आप सभी को अपने अपने घरों में बैठ के? बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि इंट्यूशंस का कोर्स होगा,
या मेडिटेशंस आप लोग करवाओगे, तो वो कैसे, हम तो अपने घर में बैठे हैं। तो मेरे लिए चैलेंज भी यही था और एक्सपीरियंस भी यही था कि जब लोग आप एक सर्टेन एनवायरनमेंट में कोर्स करते हो, उसके बाद जब आप अपने घर में चले जाते हो, जाने के बाद में वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अपने घर में अपने तरीके से जो लाइफ को जी रहे हो, उसी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर उसको अपने साथ में रखें, ये चैलेंज हम एक्सेप्ट किया और उसके लिए हमने काम करने की कोशिश की। तो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे करते रहेंगे। आने वाली एकादशी को फिर से मैं एक मेडिटेशन का सेशन लेने वाला हूं। पुराने मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग, ओनली ऑडियो, आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगी जिन लोगों ने नहीं किया है, ताकि आप सभी लोग उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। दूसरी बात, कुछ लोग इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स रेगुलरली मांग रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है सभी के लिए। कुछ लोग जिन्होंने बहुत पहले इंटेंट दे दिया था, जिनकी तबीयत खराब हुई बीच में, या जो इस सेशन में एनरोल होने के बावजूद बीच सेशन में ही उन्होंने बोला कि हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ये एक दो कैटेगरीज को छोड़कर हम किसी को रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं करवा रहे, क्योंकि रिकॉर्डिंग देने के बाद में उनके डाउट्स को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे लोगों की भीड़ में, और फिर वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग टास्क बन जाता है। तो इसीलिए आप सभी लोग कोशिश कीजिए कि आप सेशंस के अंदर रहें। अगली बार से सेशन 2:30 बजे जब स्टार्ट होगा, तो 2:30 से 3 बजे तक आपका डाउट सेशन रहा करेगा। जो लोग आएंगे उन लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग्स के थ्रू होंगे उनको भी 2:30 से 3 बजे आकर ही अपने डाउट्स को क्लियर करना होगा, और कोई ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक और बात डाउट से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मेरे दिमाग में आई, बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस को पार किया और आंसर नहीं हुए, तो इसके लेवल्स हैं। क्या लेवल हैं? सबसे पहले आप लोगों के पास में एक नंबर है, उस नंबर पर आप लोग अपने मैसेज डालते हो, क्वेरीज डालते हो कि हमें ये डाउट है, वहां से आप लोगों को आंसर आ जाता है। नहीं आता तो आप सभी के लोकल एरियाज में सहयोगी टीम बन जाएगी बहुत जल्द, जो बन भी रही है। जो लोग मेरे बिल्कुल क्लोज हैं, जो लोग सभी कोर्सेज करके ऑथराइज हो जाएंगे किसी को आंसर करने के लिए, वो फ्री में आप लोगों की लाइफ लॉन्ग हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा है, तो वो लोग फिर आपको आंसर करेंगे। उन्होंने भी नहीं किया तो मेरी खुद की हार्डकोर टीम जो अभी है, जो लोग सहयोगी हैं, उन तक आप बात पहुंचा सकते हो। और उन्होंने भी नहीं किया तो मैं अपने नंबर जाता जाता मतलब जब ये हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने का, तो जिन्होंने भी किया है, जो इंटर्नशिप तक आ रहे हैं, उनसे मैं 1 कॉल दूर रहूंगा हमेशा। अगर इन सभी लेवल्स पे आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को अभी तक का सेशन बिल्कुल क्लियर होगा। सेंटर कैसे निकालना है ड्यूप्लेक्स का, इस पे एक बार हम छोड़ देते हैं बात को, ये कल दोबारा से टॉपिक आने वाला है, सेंटर का, डिग्री मार्किंग का और ग्रिडिंग का। उससे पहले मैंने आपको ये बताया था, इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट इन 16 जोन्स। जिस भी जोन में टॉयलेट होती है या जिस भी डायरेक्शन में टॉयलेट होती है, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से खत्म हो जाते हैं। जब उसके एट्रीब्यूट्स आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगे तो वो चीज आपकी लाइफ से पूर्णतया चली जाएगी। अब वो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं 16 दिशाओं के, ये आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स याद होंगे। एक बार दोबारा जूम लगाएंगे, मैं देखता हूं कि किसको याद है किसको याद नहीं। लेट मी चेक, एक सेशन एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को आ भी रहा है कि नहीं। रुपिंदर जी आपको याद है? रुपिंदर जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? 16 जोन के एट्रीब्यूट याद हैं? आप लिखिए, चैट में लिखिए कि यस याद हैं। जिन जिन को एट्रीब्यूट्स याद हैं वो अपना थम्स अप कर लीजिए 16 जोन के। थोड़ा सा फेस के पास लाके थम्स अप कीजिए, मतलब आप नीचे नीचे कर रहे हैं मुझे दिखाई नहीं देगा जी।
जी निधि जी, आप सुन रहे हैं बात को? आपको 16 जोन के एट्रीब्यूट याद हैं? याद हैं, परफेक्ट। सौरभ जैन जी आपको याद हैं? जी बहुत बढ़िया। सपना जी आपको याद हैं? जी परफेक्ट। मृणालिनी जी याद हैं आपको 16 जोन के एट्रीब्यूट्स? अपने माइक्स को म्यूट पे रखिए प्लीज, अपने माइक्स को म्यूट पे रखिए और मुझे लिख के दीजिए। कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है बस जी, नॉट फुली। मृणालिनी जी का आंसर आया है अच्छे से याद नहीं है। 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स आप लोगों को टिप्स पे होने चाहिए, इसीलिए मैंने टाइम दिया था एक हफ्ते का। आई थिंक जिन लोगों को याद नहीं है उन लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। बहुत इजी है याद करना, आप उनको याद कीजिए। पंच तत्वों में मान सकता हूं कि आपको प्लेन में लगे हुए झटकों की याद आई होगी। उसके आगे आज वाला टॉपिक थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है, पर आई थिंक आ जाएगा। लोगों को याद होने चाहिए 5 एलिमेंट्स एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, इसके ऊपर हम आज अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाए। डन, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टॉयलेट के ऊपर बात हुई, आगे इफेक्ट्स ऑफ किचन काइंड ऑफ सेम है। इफेक्ट किचन क्या करती है, फायर एलिमेंट है और फायर का काम है जलना, जलाना, आग लगाना। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी घर में एनर्जी का सोर्स होती है, तो जहां पर भी फायर एलिमेंट होगा उस दिशा के एट्रीब्यूट्स को ये खत्म कर देगी या आग लगा देगी। और सिर्फ फायर जोन्स जो हैं, फायर के जो जोन्स जैसे मैंने आपको बताया था, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, यहां पर किचन अच्छी होती है। आगे बेडरूम्स, जिस भी दिशा में आपका बेडरूम होगा उस दिशा के गुणधर्म आपकी जिंदगी में आएंगे। 5 एलिमेंट्स क्या थे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये शायद स्लाइड, हाँ, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। ये आपको इसी सीक्वेंस में जब भी आप पंच तत्वों को याद करोगे तो ये इमेज आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आकाश को, और फिर आकाश से जल बरसा। ये इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में हमेशा है। जब आप इस सीक्वेंस को वापस रोटेट करोगे तो ये, जब आप वापस रोटेट करोगे तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड 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 है, तो पेरेंट हमेशा, चाइल्ड हमेशा पेरेंट को कंट्रोल करेगा। या जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पेरेंट, चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को ले लेता है, मतलब उसको कम करता है, और पेरेंट हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। तो जब वाटर एयर में आएगा तो ये सपोर्ट करेगा, एयर वाटर में जाएगा तो उसको एग्जॉस्ट करेगा, या मैं यूं कहूं कि कम करेगा। आगे साइकिल ऑफ डोमिनेशन, मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आगे जब जाके आप ट्रीटमेंट सीखोगे तो इनकी जो दिशाएं हैं वहां पर एयर के आ जाने की वजह से क्या होगा ये हमें देखना होगा। वैसे ही इस दिशा में वाटर के आ जाने से क्या होता है ये भी हमें देखते आना होगा। इसलिए आपको साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आगे एंटी एलिमेंट साइकिल क्या है, इस पे हमें फोकस करना था। ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, 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 और ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इस बात का मतलब क्या है, जब आप साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन को याद करते हो तो बीच वाला छोड़कर
ये दो जो बचते हैं ये एक दूसरे को काटते हैं, या मैं यूं कहूं एनिमीज हैं। जैसे आप हो आपके पड़ोसी का घर और फिर आपके उसके अगला उसके पड़ोसी का घर, तो आप दोनों की आपस में अगर लड़ाई है तो ये बीच वाला आकर आपको बचाने का काम कर, याद रखने की जरूरत है। या मैं आपको रेमेडी के तौर पे अगर बात करूं, जब भी वाटर में फायर आएगी तो एयर बीच में आकर उसकी हेल्प करेगी। इस बात को आपको याद रखना है, जब भी एयर स्पेस में आएगी तो अर्थ बीच में आकर उसकी हेल्प करेगी। इस तरीके से आपको याद रखना है, जब भी कोई एंटी एलिमेंट इस क्लॉकवाइज साइकिल में क्रॉस करेगा, इसने इसको क्रॉस किया तो ये वाला एलिमेंट बीच में आकर उसकी हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने बार बार बोला था कि आप सभी लोगों को साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन और एंटी एलिमेंट साइकिल ये अच्छे से याद होनी चाहिए। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा अब कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश क्या है, कैसे एक दूसरे को बनाते हैं, कैसे एक दूसरे को एग्जॉस्ट करते हैं, कमजोर करते हैं, और कहां पर एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी क्यों हम याद करते हैं? तीन ही चीजों के कारण प्रॉब्लम होती है अक्सर। या तो वहां पर कोई एक्टिविटी गलत हो, जैसे टॉयलेट है, किचन है, एक्टिविटी कहीं पर गलत आ गई उसकी वजह से, कोई ऑब्जेक्ट वहां पर गलत पड़ा हो उसकी वजह से, या फिर एलिमेंट वहां पर गलत आ जाए। एलिमेंट गलत आने का मतलब क्या है? वाटर की दिशाओं में फायर का आ जाना, एक गलत एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। फायर किस फॉर्म में? फायर के कलर्स की फॉर्म में या शेप्स की फॉर्म में। एक बार दोबारा जूम दिखाएंगे। पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को क्या अब यहां तक क्लियर है? क्या आप लोगों को क्लियर है साइकिल ऑफ इनिशिएशन, साइकिल ऑफ डोमिनेशन? क्लियर है? यस, परफेक्ट। इस बात, इस पूरे विषय को प्रोफेशनली करना चाहते हैं और हमसे सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है, यही रहा कि आप दो चार दिन का छोटा कोर्स करके एकदम से प्रोफेशनल प्रैक्टिस में उतर जाओगे, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है और मेरे हिसाब से ऑथेंटिक नहीं है। आपको बहुत सारी रिसर्च खुद से कर वैलिडेट कर लोगों की सहायता करके चेक करना होगा, तब आएगा। तब तक के लिए मेरी टीम आप लोगों के साथ में काम करेगी, आप लोगों की केसेस पे, कि हम किस तरीके से लोगों को ऑथेंटिक राय दे सके। आगे मनीष जी हैं क्या? एक बार मेरे को दिखाएंगे, एक बार जूम दोबारा। मनीष जी लाइन पे हैं, आप सेशन अटेंड कर रहे हैं? मनीष शर्मा जी दिखाओ एक बार, क्या आप किसी से? सॉरी, ये कोरोना वाली छींक नहीं थी। मनीष शर्मा जी, आप अगर हैं तो आप लोग प्लीज आप इसको चैट में वैलिडेट करेंगे कि आप स्क्रीन पर हैं। मैं क्यों मनीष शर्मा जी की बात कर रहा हूं? ये मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे पहली बार पैसा दिया था काम करने का, और हमें बहुत जल्द रिजल्ट मिले थे 21 दिन के अंदर। यस, मनीष जी कहां पर हैं आप? मेरे को अपना हैंड रेज करेंगे, आई वॉन्ट टू सी यू। इन्होंने बताया कि ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, दो दिन इनको सेशन भी अच्छा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी बात आज करीबन 4 साल, 4.5 साल के बाद हो रही होगी या उससे भी बाद में हो रही होगी। ये रे मनीष जी, आई थिंक मनीष जी बहुत अच्छा लगा आपने सेशन को ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और अमित जी, अमित कुमार जी के थ्रू आप मुझे मिले थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे जिन्होंने मेरे हाथ में पैसा रखा था, विश्वास किया था। अमित जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बने रहे सेशन में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैंने आपको वहां पर किया था वो आप समझ पाएंगे कि मैंने कैसे किया था। डन, आगे बढ़ते हैं।
एट्रीब्यूट्स ऑफ वॉटर एलिमेंट, आप इन सभी एट्रीब्यूट्स को लिख लेंगे तुरंत। वॉटर एलिमेंट के एट्रीब्यूट क्या हैं या कैसे पता लगता है कि ये वॉटर एलिमेंट है? वॉटर एलिमेंट के जो टेस्ट है वो सॉल्टी है। आपने देखा है धरती पर जितना भी पानी है उसका मेजरली जो टेस्ट है वो सॉल्टी है, उसकी जो शेप है वो वेवी है, और उसका जो मेटल है वो अल्यूमिनियम है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, वॉटर एलिमेंट की टेस्ट सॉल्टी है। मैं टेस्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट्स का वास्तु करोगे उसमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। वॉटर एलिमेंट का टेस्ट सॉल्टी है, मेटल एल्यूमिनियम है, और शेप वेवी है। इसको आप लिख लेंगे अपने पास में। आगे एयर एलिमेंट का टेस्ट खट्टा है, सौर है। एयर एलिमेंट की शेप रेक्टेंगुलर है और मेटल स्टेनलेस स्टील है। मैं दोबारा बात करूंगा, एयर एलिमेंट का शेप रेक्टेंगुलर है, इसका टेस्ट खट्टा है, सौर है, और इसका मेटल स्टील है, स्टील या स्टेनलेस स्टील। कलर्स मैंने आप सभी लोगों को बताए भी थे, मैं दोबारा बता दूं, एयर के कलर ग्रीन एंड ब्राउन है। जो भी हमारे पेड़ पौधों के कलर होते हैं वो हमारे एयर एलिमेंट के कलर्स हैं। फायर एलिमेंट का टेस्ट स्पाइसी है, शेप ट्रायंगल्स हैं, और मेटल कॉपर है। शेप क्या है? ट्रायंगल। टेस्ट क्या है? तीखा। और मेटल क्या है? तांबा। आगे अर्थ एलिमेंट का टेस्ट स्वीट है, अर्थ एलिमेंट की शेप स्क्वायर है, अर्थ एलिमेंट का मेटल ब्रास है। मैं हिंदी में बात करूं, चतुर्भुज हुआ, और मेटल इसका पीतल है। टेस्ट बीटर है, बीटर मतलब कड़वा, या मैं यूं कहूं कुछ वो स्पेस एलिमेंट का होता है। इसकी शेप सर्कुलर है, लोहा। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा एट्रीब्यूट्स में, और साथ में इनकी शेप्स क्या हैं। जब भी हम एंटी एलिमेंट्स की बात फॉर्म में एंटी एलिमेंट अक्सर पाए जाते हैं, जैसे आपने किसी दीवार पर तो वो अपने आप में एक एलिमेंट को दर्शाता है। से आपने अक्सर देखा होगा सीलिंग्स पर लोग शेप्स बना लेते हैं, सर्कुलर्स, मेटल का सामान हो, जैसे आजकल पीतल या तांबा बहुत फैशन में है, तो लोग उसकी वास्तु करने के लिए स्वाद का एक बहुत बड़ा रोल है। आपको लिख लेंगे आगे आने वाले कोर्सेज में, लैंड सिलेक्शन में टेस्ट का क्या रोल है। सिलेक्शन करने जाते हैं तो उस टाइम पर कुछ चीजों को देखकर पता लगा उसके लिए टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहां पर भी टेस्ट उपयोगी तत्व रहता है। अब मैं बात करूं कि गेट, हमारे घर के टीवी, बेड, सभी चीजें वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में ही होती हैं। वीडियो नहीं आ रही,
अपने यहाँ पर नहीं आ रही है, सभी के यहाँ पर नहीं आ रही। डन डन डन, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी करते हैं। क्या अभी वीडियो और ऑडियो क्लियर है? क्या अभी वीडियो और ऑडियो क्लियर है? ओके, परफेक्ट, डन। स्पेस एलिमेंट में कुछ गड़बड़ होने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। सो आगे बढ़ते हैं, हम जो बात कर रहे थे टेस्ट की, लैंड सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं किसी लैंड पर गया, वहां के पानी का टेस्ट क्या है, वहां की मिट्टी का टेस्ट क्या है। विश्वकर्मा प्रकाश में व्यापारियों के लिए स्पेशल एक गन्ना थी, जिस गन्ना में बोला गया था कि किस तरीके के टेस्ट वाली मिट्टी से आप व्यापारी को या व्यापार को चूज करते हो। तो इस बारे में नोट्स बना लेंगे, आगे आने वाले सेशंस में मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर मैं बात कर सकूं। तो स्पेस एलिमेंट का टेस्ट कड़वा है, शेप सर्कुलर है, मेटल आयरन है। आई थिंक यहां तक मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद में आपको ये ध्यान कहां पर देना है? इंटीरियर्स पर, जैसे पीओपी है, जैसे फॉल सीलिंग है, जैसे आपकी टाइल्स हैं, या आपने कोई ऐसा इंटीरियर करवा रखा है जहां पर अलग अलग तरीके की शेप्स, कलर्स या मेटल्स का यूज हुआ है, वहां पर उस मेटल की, उस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस मान लिया जाता है और उसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। दोबारा से, इसका कनेक्शन किससे है, किससे है? ओके, अब ओके, डन, स्टार्ट। सो ये जब भी आप इंटीरियर डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हो, या कई बार आपको बहुत सारी चीजें मिल तो जाती हैं पर आप शेप्स को देखना भूल जाते हो, उस केस में शेप्स, कलर्स और मेटल्स का उपयोग करने से रिजल्ट्स मिलते हैं और वहां से हम बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट की शेप्स क्या हैं। आगे बढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर एलिमेंट, ये बात समझने वाली है, इसको याद नहीं रखा जाता या नहीं रखा जा सकता, सिर्फ समझने के लायक ये वाली बात है। वाटर एलिमेंट भावुकता, भाव का कारक है, या मैं यूं कहूं, मैंने थोड़े दिन पहले अपने एक सेशन में बताया भी था कि वाटर को एनर्जाइज करके या वाटर को यूज करके आप उसकी मेमोरीज का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि वाटर के अंदर भाव है, मेमोरीज है। इंसान के अंदर वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है, उसके माइंड में वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है। चंद्रमा जो भाव का कारक है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट सबसे पहले धरती पर, पानी पर डालता है। जैसे ही आप कभी, आपने सोच देखा होगा, अमावस होते होते या पूर्णमासी होते होते जो समुद्र की लहरें हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वाटर एलिमेंट भाव का कारक है, इसलिए जो भी लोग मेंटल एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उन लोगों को चंद्रमा के उपाय ही दिए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही आपके मन को कंट्रोल करता है। वाटर एलिमेंट भाव दिखाता है या भावुकता का एलिमेंट है। इसका फ्लो कैसा है? बहना, ये हमेशा बहती हुई फॉर्म में है। इसकी मेमोरी, इसको हम मेमोरी भी बोल सकते हैं, स्मृति भी बोल सकते हैं, इसको याद रखने का कारक भी बोल सकते हैं, इसको हम कनेक्शन से भी दर्शाते हैं और हम व्यापार से भी दिखाते हैं। कनेक्शन कौन से? एयर वाले कनेक्शन नहीं, नेटवर्क में और कनेक्शन में एक फर्क होता है। कनेक्शन वो होता है जो मेरे और आप लोगों के बीच में है, मेरे और सहयोगी के जो बीच में है वो एक नेटवर्क है। कनेक्शन वाटर एलिमेंट देता है, क्योंकि वो भावुकता से है, वो व्यापार से है, वो मेमोरी से जुड़ा हुआ है, वो माइंड से जुड़ा हुआ है। ये एट्रीब्यूट्स आपको क्यों याद होने चाहिए? मैंने बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस में देखा, जो लोग इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं, उन लोगों को
एलिमेंट्स के गुणधर्म ही नहीं पता। जब एलिमेंट के गुणधर्म नहीं पता तो कभी भी कोई इंसान जब बात करता है तो आप ये ढूंढ ही नहीं पाओगे कि उसके कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके एलिमेंट जिस भी स्पेस में वो रहता है, जिस घर में वो रहता है, उसकी बातों से झलक रहे होते हैं। डीकोड वास्तुशास्त्र बाय बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच में मैं यही बात सिखाऊंगा, जिन लोगों को एलिमेंट्स की पकड़ नहीं होगी वो लोग छूट जाएंगे। कैसे एक इंसान जब बोलता है तो उसके भाव, उसके इमोशंस, उसके एलिमेंट्स उसकी बातों में साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट किस तरीके का दिखता है। आप लोगों को कैसे इसमें ऑब्जर्वेंट होना है, अपने घर में जाइए, जहां पर भी आपको वाटर एलिमेंट दिखाई देता है, जिस भी रूप में दिखाई देता है, उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उससे सीखिए। पानी प्यास बुझाता है, पानी ग्रोथ देता है, पानी पौधों के अंदर जाता है तो पौधे बड़े हो जाते हैं, पानी भावुकता देता है, पानी को बातें याद रहती हैं, पानी आप सभी को जोड़ता है, पानी व्यापार का कारक क्यों है, क्योंकि एकमात्र जरिया है पूरी पृथ्वी पर जहां से व्यापार होता है या कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ पहले कई देशों के बीच में। ये सब ऑब्जर्वेटरी चीजें हैं। नीला कलर और काला कलर पानी का कलर होता है। इस तरीके से आप देख पाएंगे जो भी लोग हैवी हैं, जिन लोगों की बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन ज्यादा हो गई है, वो लोग अक्सर भावुक भी ज्यादा पाए जाते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर एलिमेंट ज्यादा हो गया है। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एयर एलिमेंट, फ्रेशनेस, ताजगी देता है एयर एलिमेंट। ताजगी, जब भी आप पार्क में जाते हो, आप लोग फ्रेश होते हो, आप लोगों को अच्छा फील होता है, आप लोग हैप्पी फीलिंग रखते हो। नेटवर्क देता है, जैसे मैंने आपको बोला, जो मेरे और मेरे सहयोगी के बीच में है वो नेटवर्क है। हैप्पीनेस देता है, ग्रोथ देता है, और चर्निंग भी देता है, मंथन भी यही एलिमेंट देता है। ग्रोथ कैसे देता है, क्योंकि एयर एलिमेंट जो प्लांट्स हैं वो ही अपने आप में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा, प्लांट्स अगर एक बार अपने आप से जुड़ जाएं तो वो रेगुलर ग्रोथ में ही रहते हैं, उनको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। प्लांट्स जो है उनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितने अच्छे ब्यूटीफुली वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ये जो दिशा है इसको सूर्य की दिशा भी कहा जाता है, सूरज की दिशा भी कहा जाता है। देवता यहाँ के महेंद्र हैं और इंद्र हैं। तो जिन लोगों के ईस्ट बैलेंस होता है, जिन लोगों का एयर एलिमेंट घर में बैलेंस होता है, वहां पर खुशियां होती हैं, प्रॉपर एनालिसिस होता है, और देवताओं के कारण उनके कनेक्शन भी अच्छे होते हैं और मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट क्या है। आई होप कि आपको एयर एलिमेंट क्लियर होगा। आप इसको लिख लीजिए, और अगेन मैं बोलूंगा, जाके ऑब्जर्व कीजिए। ये जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं, ये खुद मैंने ऑब्जर्व करके लिखी हैं। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट की बात करूं तो लाखों या सौ एट्रीब्यूट्स निकल के आ सकते हैं, बन के आ सकते हैं। फायर एलिमेंट स्पार्क है। स्पार्क जो इग्निशन है, जो स्टार्टिंग देती है, एक स्पार्क ऑफ लाइफ है, जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आग जैसे वाटर एलिमेंट कर्म करता है, मैं जो हूं वाटर एलिमेंट कर्म करता हूं, लेकिन उसके पीछे का जो स्पार्क है, मेरे घर को पैसा चाहिए, मेरी लाइफ को पैसा चाहिए, मेरे पेट में जो अग्नि है उसको खाना चाहिए, ये स्पार्क फायर एलिमेंट की होती है। कलर लाल होता है, इग्निशन, जैसी गाड़ी आपने स्टार्ट करी, जो फर्स्ट पुश मिलता है वो फायर एलिमेंट का होता है। इनिशिएशन, स्टार्टिंग, किसी भी बात को स्टार्ट करना फायर एलिमेंट देता है। गिविंग लाइट, फायर एलिमेंट दूसरों को प्रकाश भी देता है, जैसे फायर एलिमेंट स्टार्ट होता है दिए से, माचिस से, और वॉल्केनो तक है। ये किसी को प्रकाश दे भी सकता है और किसी को बर्बाद कर भी सकता है। उसके बाद में फाइटिंग, लड़ाइयां और क्लैशेस, संघर्ष भी देता है। इसमें क्लैशेस को आपसी लड़ाइयां कह सकते हो, और संघर्ष मतलब संघर्ष करने की ताकत भी फायर एलिमेंट देता है। आपने बहुत सारे लोगों के घरों में देखा होगा कि लोगों के अंदर जील नहीं है काम करने की, पैशन नहीं है पढ़ने का, एक पैशन की कमी है, एक स्पार्क की कमी है लाइफ के अंदर, कुछ काम करने का मन नहीं करता। वो
सारी चीजें फायर एलिमेंट कमजोर होने के कारण होती हैं। मेरे को इस बात से याद आया, मैं कुछ दिन पहले किसी के घर पे साइट विजिट पे गया, तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि मेरे घर में यहाँ पर ये पड़ा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मेरी एक आदत है कि मैं सामने वाले की बातों से पहले चेक करता हूँ कि क्या इसको वो इफेक्ट दे भी रहा है। जैसे फायर एलिमेंट वीक होगा तो इंसान के अंदर वो पावर नहीं होगी, वो इनिशिएशन नहीं होगा, वो काम करने का मन नहीं होगा, और हम जाके उसके घर के अंदर लाल बल्ब को लगवा रहे हैं तो हम उसकी फायर को और ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं, या हम वहां पर रेड कलर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसकी फायर को बहुत ज्यादा एक्टिव कर दे रहे हैं। हमें उसकी बातों से सीखना है, उसकी बातों से जज करना है कि इसके घर में कौन सी डायरेक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। क्या मैं सारी बॉडी के हिसाब से रोज खाना खा सकता हूँ सुबह उठकर, ये वो नहीं पॉसिबल। हमें प्रॉब्लम के हिसाब से चलना है, सिम्टम्स के हिसाब से चलना है, और साथ में चीजों को मैच करना है। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि एकमात्र स्टेबल एलिमेंट अगर इस पूरे जगत में है, इस पूरे यूनिवर्स में है, तो वो है अर्थ। सॉलिडिटी, भारी एलिमेंट है। भारी का मतलब ये नहीं होगा, कुछ लोगों ने भारी से साउथ वेस्ट को बड़ा भारी कर दिया, वहां पर वाटर के टैंक्स रखवा दिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, वाटर के टैंक अगर साउथ वेस्ट में होते हैं तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। मेरे पास पूरा एक पर्टिकुलर कॉलोनी जिसमें 500 से ज्यादा मकान है का डेटा है, जिसके अंदर सभी मकानों में ये प्रॉब्लम है, सभी का वास्तु और आर्किटेक्ट एक ही था जिसने इस कॉलोनी को डेवलप किया। सभी के घरों में साउथ वेस्ट के अंदर ऊंचा करवाने के बाद वहां पर पानी की टंकी को रखवाया गया और सभी के दिल में, सभी के हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आए। हैवी का मतलब ये है कि वो एलिमेंट अपने आप में भार को रिप्रेजेंट करता है, या वो हैवी है, वो भारी है। तो साउथ वेस्ट कोना उन लोगों के लिए अच्छा है जो घर को चलाते हैं, चाहे वो घर के छोटे लोग हों, चाहे वो घर के बड़े लोग हों, जो घर के लिए एक हैवी, एक पृथ्वी का कारक है, एक स्टेबिलिटी का कारक है, उन लोगों के लिए केयर देता है, देखभाल देता है, रिलेशनशिप्स भी दिखाता है और सपोर्ट भी दिखाता है अर्थ एलिमेंट। आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट मैनिफेस्टेशंस देता है, सबसे अल्टीमेट एलिमेंट है ये। जिसको ये समझ में आता है उसको जिंदगी समझ में आती है। बाकी सब लोग तो कोई व्यापार के लिए, कोई नेटवर्क के लिए, कोई नेम फेम के लिए, कोई अपनी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप से जुड़ने के लिए काम को करते हैं। स्पेस एलिमेंट इस बात को दिखाता है कि आप लोग अपने आप से, अपने ईश्वर से कितना जुड़े हुए हो, कितना जुड़ सकते हो। ये अपने आप को, अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी देता है, फुलफिलमेंट देता है। जैसे मैंने कुछ काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगने की फीलिंग, हैप्पीनेस नहीं, फुलफिलमेंट की फीलिंग स्पेस एलिमेंट देता है। गेन्स दिखाता है, अक्सर जब गेन्स होते हैं तभी इंसान को फुलफिलमेंट की फीलिंग भी होती है। सेल्फ अवेयरनेस, जैसा मैंने आपको बोला, आत्म जागरूकता भी स्पेस एलिमेंट देता है। बहुत ही अच्छा और मिस्टिकल एलिमेंट है, या मैं यूं कहूं कि इस एलिमेंट के बारे में जितना पढ़ लिया जाए उतना कम, जितना ऑब्जर्व किया जाए उतना कम। जब एक इंसान बात करता है तो उसके बीच में आने वाले स्पेसेस उसकी लाइफ की स्थिरता, उसको अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करने का बोध करवाते हैं। जैसे कोई भी इंसान बात करता है, जब आप बहुत बड़े लोगों के बारे में पढ़ोगे, जैसे स्वामी परमहंस योगानंद के बारे में पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ोगे, नीम करोली बाबा के बारे में पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग किस तरीके से स्पेस एलिमेंट से जुड़े हुए थे। जब आप गुरुद्वारों के ऊपर रिसर्च करोगे, जब आप चर्चेस के ऊपर रिसर्च करोगे, जब आप मंदिर के ऊपर रिसर्च करोगे, जब आप मस्जिद के ऊपर रिसर्च करोगे, तब आपको स्पेस एलिमेंट सबसे ज्यादा देखने को और ऑब्जर्व करने को मिलता है। बहुत मिस्टिकल एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर हम सब लोग सिर्फ गेन्स और पैसे के बारे में सोचते हैं, तो इसी को सिर्फ गेन्स और पैसे से रिलेटेड ही जोड़ा गया। पर लिटरली स्पेस एलिमेंट हम सबको अपने आप से जोड़ने का काम कराता है। हमारी इस जिंदगी का पर्पज,
अपने फील्ड में सबसे ऊपर जाना नहीं है हमारी जिंदगी का पर्पस, दूसरों के लिए और खुद के लिए एक सफल जीवन, अपने आप से एक सुखी जीवन बनाना है, ये बोध स्पेस एलिमेंट का। आई थिंक आप सब लोगों ने इसको लिखा होगा, मैं अब डाउट्स लेता हूँ सभी लोगों के, अगर कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक हम उसको क्लियर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जूम, आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा? ये जोन्स ऑफ स्पेस एलिमेंट किसी ने पूछा है, आपने शायद फर्स्ट वाला सेशन अटेंड नहीं किया होगा, आपको शायद इसलिए नहीं पता। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग सेशंस को क्रॉस करके किसी भी तरीके से बीच में आ जा रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद ने हटवाया है, अप्रोक्सीमेटली 40-50 लोगों को, कि अभी हम सेशंस उनको नहीं देते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी एक भी इंसान ऐसा हो जो जल्दबाजी में गलती कर ले। स्पेस एलिमेंट के जो जोन्स हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट हैं। आप सभी लोगों के पास इसकी पीडीएफ भी पहुंची होगी, आई थिंक आप सभी लोगों के पास पीडीएफ गई है ना इस चीज की, जोन्स की और उसमें उनके एलिमेंट्स हैं, आप सभी लोगों के पास पहुंची होगी। जी सर, नेटवर्क इश्यूज फर्स्ट सेशन, ओके, माय फादर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, ओवरहेड वाटर टैंक इन साउथ वेस्ट। जी जी संदीप जी, उसका इलाज क्या करें आने वाले सेशन में आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। सर व्हाट इज ऑलवेज स्ट्रेट इन फायर एलिमेंट, व्हाट इज ऑलवेज स्ट्रेट फायर एलिमेंट का फ्लो, आई एम सॉरी मैं शायद बीच में फ्लो के बारे में बात करना भूल गया। वाटर एलिमेंट का फ्लो जो है वो बहना है, वो फ्लो में रहता है, हमेशा एक भाव में रहता है। एयर एलिमेंट जो है वो हमेशा हर वक्त घूमता रहता है, हमेशा कनेक्शंस की फॉर्म में रहता है। फायर एलिमेंट हमेशा ऊपर की तरफ है और स्ट्रेट है, रुकाव नहीं है और हमेशा ऊपर की तरफ अलाइंड और स्ट्रेट है। अर्थ एलिमेंट एक जगह पे ठहरा हुआ या एक ही जगह पे मूवमेंट रखा हुआ है, और स्पेस एलिमेंट एक गुप्त है, जैसे आपके और मेरे बीच का एक वर्चुअल स्पेस। ये इनके एट्रीब्यूट हैं, या मैं इनको कहूं कि इस तरीके से इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो भी इंसान आपको हमेशा स्ट्रेट दिखाई दे, अप होल्डेड दिखाई दे, हमेशा फ्रैंक दिखाई दे, उसकी बातों में कुछ विजन दिखाई दे, जो आपको दूर की सोच व्यक्त करता हो, वो सारे इंसान उस पर्टिकुलर वक्त में फायर एलिमेंट में होते हैं। जो लोग भाव में होते हैं, अपने एक फ्लो में होते हैं, कोई बात कहने लगते हैं, आप सभी लोगों ने अगर कभी दारू पी है तो दारू पीने के बाद अक्सर लोग फ्लो में आ जाते हैं, उनका वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है। सो यही एक बेसिक ग्लिम्स है कि आप लाइफ को कैसे ऑब्जर्व करते हो। एयर एलिमेंट में जब आप पार्क में जाते हो तो दूसरों को देखकर खूब दौड़ लगाने की कोशिश करते हो, खूब खुश फील करते हो, अरे वो कैसे दौड़ रहा है, मेरे को भी दौड़ना है, मुझे भी खेलना है, चलो हम ये करते हैं। ये इनके भाव है एक तरीके से। तो फायर एलिमेंट अपने आप को हमेशा स्ट्रेट, दूरंदेशी और अपहोल्डेड रखता है। सर हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए गिव टॉयलेट और किचन, डायरेक्शंस के ऊपर हम बाद में आएंगे जब आप लोग मार्क करना सीख लोगे। अभी सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मार्किंग आपके पास बाद में आएंगी। As we proceed with the class, may I also request you to share example case studies of how various elements are balanced in case of successful people, houses, office, etc. Yes, obviously, last वाले कुछ sessions में जो काम मैंने किया वहां पर मैंने balancing क्या की, कैसे की, क्या symptoms थे, इसके ऊपर हम detail में बात करें। सर आपकी video को एक बार देखकर याद होगा, इतनी speed में notes भी नहीं बन पाए। जी आपको सिर्फ सुनना है, ऑब्जर्व करना है और लिखना है। मैंने एक ही एलिमेंट को दो दो तीन तीन बार रिपीट किया है, आप उसको लिख लीजिए। मेरी वीडियोस को आप दोबारा सुन पाए मैं इसकी कोशिश करूंगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहें। मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा टूल दिया, मैं आपको वो जर्नी दे रहा हूं जो जर्नी मैंने जी है। आपने मेरे फर्स्ट क्लाइंट यहां पर है, अगर आप उनको देखोगे, मेरे हाथ में कभी आज तक कोई किताब नहीं रही या ना ही मैंने कभी किताबों का
उपयोग किया जो मेरे दिमाग में था। आई थिंक कोर्स करने की शाम को या उसके अगले दिन ही मैंने उनका वास्तु किया था और काम भी किया था। तो यही होता है, क्योंकि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है या आप उसको सिर्फ समझने के जिस्ट से समझते हो तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। इज देयर एनीथिंग कॉल्ड मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स? एनीथिंग कॉल्ड मूवमेंट ऑफ एलिमेंट? नहीं समझ में आई मेरे को ये बात। मूवमेंट ऑफ एलिमेंट इज समथिंग लाइक, अगर वाटर है तो वो एक फ्लो में है, एयर है तो वो zigzag फॉर्म में है, वो उसकी मूवमेंट है, फायर है तो वो अपहोल्डेड है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है, अर्थ है तो एक ही रोटेशन के अंदर उसकी एक मूवमेंट है या स्थिरता है या रुकी हुई है, और स्पेस की कोई भी मूवमेंट नहीं है। हाउ टू परफेक्ट वास्तु, ये बहुत सॉइल डिडक्शन और ये बहुत आगे के टॉपिक्स हैं, अभी के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के दिमाग में। मैं पढ़ाऊंगा जरूर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कारण उसका क्या है, मेरा मानना है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं कि टॉपिक्स कम हैं, कोर्सेज कैसे होंगे। अगर एक वास्तु वास्तु के ऊपर लाइफ लॉन्ग बात करी जाए तो टॉपिक कभी खत्म नहीं होंगे, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। सो सॉइल के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। आई थिंक देवताज में या एडवांस में ये वाला टॉपिक रखा गया है, मुझे याद नहीं है लेकिन रखा जरूर गया है 100%। जी आगे बढ़े, आई थिंक लगभग सभी को क्लियर है। डायरेक्शंस कैसे फाइंड करनी है, कल के सेशन में आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। कल पूरा सेशन प्रैक्टिकल सेशन होगा कि कैसे अपने अपने घरों की डायरेक्शंस को मार्क करना है। आगे बढ़ते हैं, पानी आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा ना सोचना नहीं है, अपने नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखें और ईएनई को अच्छा रखेंगे तो आप सभी लोगों को अच्छा लगता रहेगा, खुशी रहेगी। इतना दिमाग पे ना बोझ नहीं डालना है, अपने आप को क्लास का टॉपर ना मानते हुए बैक बेंचर मान लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरा तो यही तरीका है। ये एक सेकंड, मेरा तो यही तरीका था। आपकी 16 दिशाओं के गुणधर्म क्या है, क्या आपको उसको याद करने की जरूरत है? मैंने एक और बात, बहुत सारे लोगों ने रेडी कर्नर्स जो बनाए, वीडियो गई थी हैंग, जी आप सभी को मेरी आवाज आ रही है आई थिंक। इधर जूम लगा दूं सो दैट कि पता लगता रहेगा लोगों का। जी आप सभी लोगों को आवाज आ रही है आई थिंक, बीच में फिर से कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था, अब आ रही होगी आवाज। जी चेक करें एक बार, लगाएं जूम। जी आवाज आ रही है आप सभी को?
डन। सो हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि आप लोगों को इतनी टेंशन के साथ में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आराम आराम से, धीरे धीरे से। जैसे मैंने आपको बोला कि जोन्स के एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने बात करी है अभी तक। जोन्स के एट्रीब्यूट क्या है? 16 दिशाओं में हर दिशा के एट्रीब्यूट्स हैं। उस दिशा के जो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। जब भी आपको उस दिशा के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। पंच तत्व थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, मैं मान गया, बट उसको आसान कैसे किया जा सकता है? जब आप सब अपनी इमेज अपने दिमाग के अंदर ये इमेज बना लेंगे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो मैंने आपको पिछले सेशन में याद करवाया था, जल ने वायु को, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आकाश को बनाया, इस एक सर्कुलेशन फॉर्म में आप याद रखेंगे हमेशा, तो आपको दिखने लगेगा कि ये जल है, जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को बनाया, अग्नि ने पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी ने आकाश को, और आकाश से फिर से जल बरसा। ये जो सीक्वेंस हमारा बनता चला गया, इस सीक्वेंस को इन सभी ने इस सीक्वेंस में एक दूसरे को बनाया है। जब हम इसको रिवाइज फॉर्म में करते हैं, उल्टी फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इतनी सी बात है। जब हम बीच वाले को गायब कर देते हैं, जल ने वायु को बनाया, वायु ने अग्नि को, अगर मैं वायु को हटा दूं, अग्नि और वायु एक दूसरे के पास, अग्नि और जल जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो दिक्कत होगी, लड़ाई होगी। कैसी लड़ाई होगी? जिस भी जोन में वो चले गए हैं वैसी लड़ाई होगी। ये हमें याद रखना है आप सभी लोगों को कूल डाउन करने के लिए। छोटी सी स्टोरी सुने, बात करें स्टोरी के ऊपर। ये स्टोरीज है, ये स्टोरी है सहयोगियों के लिए। जो लोग, सहयोगी है कौन? वो इंसान जो हर किसी को साथ दे, हर किसी के बारे में सोचे, सामने वाले के बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में। सो एक बार एक लड़के के घर में उसने एक छिपकली को दीवार पर देखा। उस दीवार पर वो छिपकली एक ही जगह पर थी, तो उस लड़के की नजरें अटक गई। जब वो उस दीवार को देखता रहा तो वहां पर उसने ये पाया कि उस छिपकली का एक पैर एक कील के नीचे दबा हुआ है या कील के नीचे आया हुआ है। और उसको फिर ये रियलाइज हुआ कि इस कील को लगे, जिस प्लाईवुड में वो कील लगी हुई थी, उस कील को लगे हुए 5 साल हो चुके हैं, पर वो मछली, वो छिपकली अभी भी जिंदा है। जो छिपकली उस दीवार पर थी वो अभी भी जिंदा है, लेकिन 5 साल से वो छिपकली जिंदा हो कैसे सकती है? अगर उसका पैर वहां पर फंसा हुआ था तो वो वहां पर जिंदा हो कैसे सकती है? फिर उसने वहां पर ध्यान से देखा तो थोड़ी ही देर में एक दूसरी छिपकली आती है और उसको खाना खिलाती है, अपने मुंह के अंदर खाना लेकर आती है और उसको खाना खिलाती है। 5 साल एक छिपकली दूसरी छिपकली को जीवन दान दे रही है रेगुलरली, एक ही जगह पर वो वहां पर है। आप, मैं, हम सभी बहुत ज्यादा सक्षम हैं किसी दूसरे की हेल्प करने में। आप, मैं, हम सभी अपनी नॉलेज से, अपनी पैसे से, अगर हेल्थ आपके साथ है तो आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हो, पा सकते हो, किसी दूसरे की हेल्प कर सकते हो। 5 साल अगर एक छिपकली किसी दूसरी छिपकली को जीवन दे सकती है, आप, मैं लाखों लोगों को, लाखों घरों को सहयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। ये जो सहयोगी हैं जो हमने डेवलप करी एक टीम सहयोगी की, वो इसी क्रम के ऊपर है। हम लोगों को कोई बड़ा नहीं होना, हमें कोई शिखर पर नहीं पहुंचना, हमें हर किसी का साथ देना है। ये विद्याएं, जिन विद्याओं से किसी का वाकई में भला हो सकता है, इनको बेच के नहीं खाना, इनसे किसी का भला करना है। पैसा एक वैलिड पॉइंट है, पर ठगी वैलिड पॉइंट नहीं है। आप साथ दें लोगों का, आप लोगों के साथ में खड़े हों और एक मोटिव के साथ में खड़े हों कि इसका भला होना चाहिए। जितने भी सहयोगी हम लोग खड़े कर रहे हैं, वो सभी लोग जो सहयोगी आपके शहर में होंगे, जब तक पूरा कोर्स करने के 1.5 साल की प्रैक्टिसेस नहीं कर लेते,
तब तक सभी सहयोगी रिजल्ट आने के बाद में पैसा लेंगे, जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो जितने भी लोग मेरे साथ में एज ए सहयोगी काम करेंगे वो लोग रिजल्ट आने के बाद में पैसा लेंगे, पैसा फिक्स पहले कर लेंगे। जैसे किसी ने, जैसे वाराणसी से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, आज मानसा से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, फरीदाबाद से हैं, दिल्ली के कई एरिया से हैं और बहुत सारे लोगों, बहुत सारी जगहों से सहयोगी जुड़े हैं, चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज काम करना चाह रहे हैं। उन सभी लोगों के साथ में हमने एक फिक्स कर लिया कि ये अमाउंट हम लोग फिक्स करेंगे और आप सभी के नक्शों पर मेरी हार्ड कोर टीम आपका सपोर्ट करेगी, आपको वैलिडेट करेगी कि आपने काम किया और जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हम उन लोगों से पैसा लेंगे। जो भी पैसा हम फिक्स करेंगे वो पैसा हम लेंगे, बहुत मिनिमम अमाउंट, उसका 50% हम फाउंडेशन, जिसका नाम मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ चीजों में वो अड़ी हुई है, जैसे ही वो क्लियर होगा उस फाउंडेशन में वो 50% पैसा जाएगा। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके इस जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कभी आप लोगों ने, मैं ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, कभी आप लोगों ने किसी नदी को हेल्प लेते देखा है? प्रकृति में जो भी बना है, चाहे पौधे हैं, चाहे फल हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे पहाड़ हैं, ये कभी किसी की हेल्प नहीं लेते। गंगा गंगोत्री से निकलकर समुन्द्र तक ऐसे ही पहुंच जाती है, रास्ते में कई खेतों को सींचते हुए, कईयों के पाप धोते हुए, कईयों की प्यास बुझाते हुए पहुंच जाती है, अपने कर्मों को करते हुए। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आपको मुझे इस तरीके से बनाया जाता है कि हम लोगों को हमेशा किसी का सहारा चाहिए ही हो, लेकिन आप भी एक प्रकृति का रूप है, मैं भी एक प्रकृति का रूप हूं, हमें सहारा नहीं चाहिए। हमें अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि कब खेतों को पानी देना है, कब किस फल को बीजना है, कब किसकी प्यास बुझानी है, हमें बस ये पता होना चाहिए। और जो लोग हमारे रास्ते में बांध की तरह सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को हमारा सैल्यूट। और कुछ लोग बांध बनकर हम लोगों को इस बात पर उतार देते हैं कि जो भी है हम ही हैं तुम्हारे लिए, ये गलत है। आपका जीवन आपके हाथ में है, आप खुद एक गंगा से कम नहीं हो, क्योंकि हर माइंड एक पूरा यूनिवर्स से भी बड़ा है, यूनिवर्स से भी ज्यादा पावर्स को रखता है, ये साइंस या साइंटिस्ट कहते हैं। हम सब लोग मिलकर यूं ही काम करेंगे, आपको किसी के सहारे के नहीं, बांध के लिए, जैसे एक बांध आप लोगों को सपोर्ट करता है, मैं और मेरे सहयोगी या आप में से भी जो लोग सहयोगी बनेंगे हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सिर्फ एक नर्चर करने के लिए कि यहाँ पर पानी कम और यहाँ पर ज्यादा देना है, इसलिए नहीं कि हम लोग इसी विश्वास में आ जाएं कि अब इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। वॉटर फायर स्पेस, इसका मतलब क्या है? वॉटर फायर को काटती है, ये इसका एंटी एलिमेंट है। वॉटर फायर का एंटी एलिमेंट है और फायर स्पेस का एंटी एलिमेंट है। एक बार फायर टू स्पेस को भूल जाएं, मैं सिर्फ वॉटर से फायर की अगर बात करूंगा, वॉटर फायर का एंटी एलिमेंट है। तो वॉटर फायर के जोन्स कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है एंड साउथ है। जब भी वॉटर एलिमेंट इन तीनों दिशाओं में होगा, इसमें इसमें और इसमें होगा, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, वॉटर फायर का एंटी एलिमेंट है, या आपने साइकिल ऑफ इनिशिएशन में सीखा, एंटी एलिमेंट साइकिल में सीखा, वॉटर फायर का एंटी एलिमेंट है। तो फायर के जोन्स कौन से हैं, डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। और वाटर का काम क्या है? बहना, फ्लो और
मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड्स है, जमीन के नीचे है पानी, डूबना वाटर का एट्रीब्यूट है, ये सब आप लोगों को याद हुआ होगा। फायर का एंटी है, तो क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट डूब जाएंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, पैसा, कैश फ्लो, फायर, इनिशिएशन, स्पार्क, आपका पैसा डूब जाएगा, आपकी स्पार्क ऑफ लाइफ डूब जाएगी। सेम वैसे ही साउथ साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या है, पावर, कॉन्फिडेंस। अगर वाटर फायर में साउथ साउथ ईस्ट में आएगा तो कॉन्फिडेंस डूब जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी, और साउथ में अगर आ जाएगा तो नींद खत्म हो जाएगी, रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगा, फेम खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, डूबने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा, खत्म होने लगेगा, क्योंकि एक एंटी एलिमेंट वहां पर एस्टेब्लिश हो गया है। आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वाटर फायर का एंटी है, तो फायर के जोन्स में आएगा, इन तीनों में अगर आएगा तो डुबोकर रख देगा किसको, इनके एट्रीब्यूट्स को, पैसे को डुबो देगा, पावर को डुबो देगा, या नाम को, रिलैक्सेशन को डुबो देगा। वॉटर एलिमेंट आ कैसे सकता है, ब्लू कलर अगर आ गया, मैंने जैसा आपको कलर बताया, ब्लैक कलर अगर आ गया, उसके बाद में एल्यूमिनियम वहां पर आ गया, तो पैसा डूबना स्टार्ट हो जाएगा। वॉटर एलिमेंट और किस किस फॉर्म में होता है, ये आपको आगे के सेक्शंस में और क्लियर होगा। टैप्स, पानी के टैप वॉटर एलिमेंट नहीं होते, पानी के टैप वॉटर एलिमेंट नहीं होते। भरी हुई पानी की बॉटल, भरा हुआ पानी का ग्लास, भरा हुआ बाल्टी, ये कुछ भी वॉटर एलिमेंट नहीं होते। जमीन के नीचे वॉटर एलिमेंट होता है, क्योंकि वॉटर एलिमेंट का सही रिप्रेजेंटेटिव है नदियां, वॉटर एलिमेंट का सही रिप्रेजेंटेटिव है समुद्र, जो कि जमीन के नीचे है। जब आप पृथ्वी में ऊपर से देखोगे तो पानी हमेशा जमीन के नीचे दिखाई देगा, इसीलिए वो वॉटर एलिमेंट होगा। तो जब भी वॉटर एलिमेंट इन तीनों में आएगा तो उसको डुबो देगा, क्योंकि वो उसका एंटी एलिमेंट है। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, एक बार जूम सेशन लगाएंगे, छोटा सा इंटरेक्शन देखता हूं कि क्या इन लोगों को ये बात क्लियर हुई, तभी आगे पढ़ेंगे। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ, ये कुछ लोग जो यूं 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 कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आता कि वो हां कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। सो फॉर यस थम्स अप कीजिए कि हाँ, और नहीं आया तो ऐसे नहीं करना है, तो लिख देना है नो। डन, समझ में आया, मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, फ्री में लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं हम लोग, पक्का। अब लिख के दीजिए कि कितने लोगों का भला वास्तु की हेल्प से इस कोर्स को कंप्लीट करते ही आप लोग करेंगे, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। जैसा मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बोला था, जब भी आपको कोई चीज फ्री में मिले तो उसका कर्जा हमेशा उतारो, आप जाओ आगे और बांटो, बांटने से चीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। नक्शे बहुत इजीली अवेलेबल हैं, सामने वाले को नक्शे के बारे में बोलो, छोटी सी फीस तय करो, मेरे सहयोगी की मैं गारंटी लूंगा कि ये सभी लोग बाद में पैसा लेंगे, जो लोगों का एक्सपीरियंस 1.5 साल से कम का है, और नए घरों के लिए पहले पैसा लिया जाएगा,
इसमें कोई भी गैप नहीं है। नए घरों के लिए पहले पैसा और पुराने घर जिसमें प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम बाद में पैसा लेंगे। पैसा कैसे लेना है, कितना लेना है, ये मैं फिक्स कर दूंगा, तो हम सब लोग मिलके काम करेंगे, पर एक ही मोटिव से कि सामने वाले का फायदा होगा ही होगा। कुछ लोगों ने लिखा है 100, 108, तो मैंने एक महीना बोला है, इस एक महीने के अंदर आपके इन 108 या 100 लोगों की लिस्ट मेरे पास आ जानी चाहिए और मैं खुद उनको फोन करके पूछूंगा कि वाकई में आपसे किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, आप लोगों का काम किया सिर्फ नक्शे के लायक, आपको नक्शा बनाकर दिया, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, और जो उनका पैसा बनता होगा वो उन लोगों से लेकर आप सभी लोगों तक पहुंचाने का काम भी मैं करूंगा। पर आप लोग जाओ और टूट पड़ो सिर्फ एक ही मोटिव से कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा काउंटेबल नहीं होती, बहुत अच्छी बात आपने बोली, सेवा काउंटेबल नहीं होती, बट मजबूरी है, काउंट नहीं करेंगे तो कोई बोलेगा कि आपने तो बोला था कि काउंटेबल नहीं होती, तो मेरे लिए तो एक नंबर ही बहुत बड़ा है या नहीं है। सो अपना अपना थॉट प्रोसेस है, मे बी अगर मैं कोशिश करूंगा कि आगे से इस बात को किसी और तरीके से रख पाऊं। प्लीज प्रोवाइड ड्राफ्टमैन नंबर इफ यू हैव एनी। यस, मैंने अपने सेशन में भी दिया था, एक कंपनी है द ड्राफ्टमैन कंपनी करके, उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है, 1200 से 1500 रुपए के अंदर वो सब कुछ मार्क करके बार चार्ट बनाकर एक घर का नक्शा बनाकर दे रहे हैं, बहुत अच्छे नक्शे दे रहे हैं। उन्होंने हमारे सेशन को अटेंड किया था, उसमें अपने नक्शों को दिखाया, तो उसकी कंपनी का नंबर क्या है मेरे पास फिलहाल नहीं है, मैं अभी टीम को बोलता हूँ वो इसमें डाल देंगे। 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से दोबारा मिलता हूं, तब तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो रिवाइज करिए, हिलिए नहीं, और मैं वापस आता हूं। डन, आगे बढ़ते हैं। आप सर साउथ ईस्ट में शाफ्ट हो तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। जी होता है, अभी आगे बात करेंगे इन सब चीजों पर कि किसका होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसा कोई भी चीज आप लोगों की ऑब्जर्वेशन में नहीं रहेगी इस कोर्स के बाद जिसके इफेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी बात से एक बात मुझे याद आई अभी कि कुछ टाइम पहले मेरे एक स्टूडेंट का ही फोन आया और वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है सबको? वॉइस आ रही है, राइट, परफेक्ट। तो कुछ समय पहले एक स्टूडेंट का फोन आया, कलकत्ता से थे वो। आप में से कोई कलकत्ता से हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ छोटा सा। तो उनका मेरे पास फोन आया बड़े प्यार से, सर बड़ी समस्या वाली बात है, हमारे घर के दक्षिण में ना टॉयलेट निकल गया और आपने ना मुझे बोला था कि वहां पर टॉयलेट होने से मेरा नाम डूब जाएगा सर, मेरे को क्या कर, मेरे को नींद नहीं आती रात भर में, मेरा टॉयलेट टूट चुका है सर, मैं करूं क्या, मेरे को नींद नहीं आती, मेरा नाम नहीं बचा सर, मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना सर। रेमेडीज तो मैंने पढ़ाई नहीं थी और शायद उन्होंने पहले कहीं से पढ़ भी रखी थी छोटी मोटी, तो मैंने बोला भाई इसमें टेंशन वाली क्या बात है, टॉयलेट ही तो है, अगर कुछ होगा तो हम ब्लॉक कर देंगे। सर अगर आप टॉयलेट ब्लॉक करा दोगे, हमारे घर में एक ही टॉयलेट है तो हम जाएगा कहां। तो मैंने बोला मेरे भाई हम तुम्हें जरूर भेजेंगे, रोज भेजेंगे, जिस समय पर तुम जाते हो उसी समय पर भेजेंगे, आप सभी के घर की टॉयलेट शाफ्ट किचन ब्लॉक होंगी, ट्रीट होंगी और हम उसको यूज भी करेंगे, कोई गैप नहीं है उसमें, धैर्य बनाए रखें, साथ में चलते रहे। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की एक टॉयलेट ऐसी है या किचन ऐसी है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे,
जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, वॉटर फायर स्पेस, वॉटर अगर फायर में आ गया तो वो एंटी हुआ। फायर में आने का मतलब क्या है, इन तीनों जोन्स में किसी भी फॉर्म में आ गया। अगर इन तीनों जोन में किसी भी फॉर्म में आया तो उसने क्या किया, उन जोन के एट्रीब्यूट को डुबो दिया। डुबोया क्यों, फायर होती है इग्निशन स्पार्क अपहोल्ड, ये हमेशा अपने आप को ऊपर की तरफ रखती है स्पार्क की तरह, और ये डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आपका वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, फायर से रिलेटेड एट्रीब्यूट खत्म हो जाएगा। आगे दूसरा एलिमेंट एयर, किसकी एंटी है, अर्थ की एंटी है। एयर एलिमेंट अर्थ का एंटी है। एयर के कलर्स क्या क्या है, ब्राउन, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन, स्टील, ये सब अगर किसी भी फॉर्म में अर्थ में आया, अर्थ में मतलब साउथ साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में, तो आपके जो डिस्पोजल्स हैं उनको खराब कर देगा। डिस्पोजल्स को खराब करने का मतलब क्या हुआ, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके एक्सपेंडिचर्स जहां पर होने चाहिए वहां पर नहीं होंगे और उस पे नुकसान होगा। साउथ वेस्ट में अगर आ जाएगा तो आपकी स्टेबिलिटी को खत्म करेगा, आपकी स्टेबिलिटी को हैम्पर करेगा, आपके रिलेशनशिप्स एंड स्किल्स को भी खराब करेगा। किस किस फॉर्म में, इसका कलर क्या है, ग्रीन है, इसका कलर क्या है, ब्राउन है, ये अगर यहां पर आ गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी लाइफ से स्टेबिलिटी को खिला देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे फायर स्पेस का एंटी है, आप लोगों को वो साइकिल हमेशा याद रखनी है, जल वायु अग्नि। अब मैं अग्नि पर हूं, पृथ्वी को छोड़कर स्पेस की एंटी है अग्नि। अगर फायर स्पेस में आ गई तो क्या करेगी, आग लगाने का काम करती है। कहां पर, एजुकेशन में आग लग जाएगी, वेस्ट में गेन्स में आग लग जाएगी, पूर्ति नहीं होगी, गेन्स नहीं होंगे, और डिप्रेशन, 24 घंटे दिमाग के अंदर किसी ना किसी बात की खलबली चलती रहेगी, चर्निंग चलती रहेगी, और डिप्रेशन पहुंच जाएगा, और डिप्रेशन के लिए एक्शन कर बैठोगे। जैसे फायर क्या है, एक्शन है, पर आग लगाना, जलना, इसका काम है। तो जब भी एक्शन होगा, एजुकेशन की रोल में बच्चा पढ़ता तो बहुत है, रिजल्ट्स नहीं आते, एक्शन है, लेकिन फायर भी वीक हो गई क्योंकि वो स्पेस में आ गई, और स्पेस का जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिला क्योंकि वो कट गया। किस फॉर्म में कटा, एक्शन की फॉर्म में कटा। बच्चा मेहनत बहुत करता है, रिजल्ट्स नहीं आते, तो वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर फायर एलिमेंट होगा। किस फॉर्म में होगा, रेड की फैमिली के सभी कलर, रेड पिंक ये सभी शेड्स, बाकी जो लड़कियां हैं उनको बड़े अच्छे से पता होंगे कि इनके और क्या क्या शेड्स होते हैं। तो रेड फैमिली के सारे शेड्स अगर स्पेस में आ जाएंगे, मतलब इन तीनों जोन्स में आ जाएंगे, तो इन तीनों जोन्स की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाएगी, इन तीनों जोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और उसमें आग लग जाएगी। तो इसको हमेशा बैलेंस किया जाता है। फायर की और क्या फॉर्म है, किचन, किचन भी होगी तो सेम प्रॉब्लम्स आएंगे। आगे अर्थ अगर वाटर में होगा, अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मैं एक बार यहां पर क्लियर कर दूं, ये हमारी साइकिल थी जहां पर था वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। हमने इसकी इसकी और इसकी तो बात करी, अब मैं बात करता हूं अर्थ की। अर्थ अगर वाटर में आ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी हैं। तो वाटर के जोन्स कौन से हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, एनएमई है और नॉर्थ ईस्ट है। ये चारों जोन्स वाटर के हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है।
इन चारों जोन्स में क्या होगा, अर्थ क्या करती है, अर्थ हैवी है जैसा मैंने आप लोगों को बताया, स्टेबल है, ब्लॉक करती है। अर्थ क्या करती है, हैवी है तो रोकेगी। जैसे आप पानी के अंदर एक बड़े से पत्थर को डाल दोगे तो वो पानी को बाहर निकाल के फेंक देगा, खत्म कर देगा। इसी तरीके से अगर अर्थ वाटर में आएगा तो आपका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आपकी इंटिमेसी खत्म हो जाएगी, आपकी मैरिटल लाइफ हैम्पर हो सकती है, आपका रिलेशन खत्म हो सकता है। नॉर्थ में अगर आ जाएगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जब सामने वाला बात करता है, इसीलिए मैंने स्पेशल कोर्स रखा जो लोग कभी सीख नहीं पाए, डीकोड वास्तु शास्त्र बाय बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच। किसी ने बोला कि अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं तो वहां पर टॉयलेट है, आती हैं चली जाती हैं तो वहां पर फायर है, पर ब्लॉक्ड है, बहुत रुक के आती हैं, साल में एक या दो ही अपॉर्चुनिटी आती है, फिर मैं उनका कुछ कर नहीं पाता, या प्रमोशन होते होते रुक जाता है, होता नहीं, बहुत टाइम से हुआ नहीं, तो अर्थ है। अर्थ एलिमेंट जब भी होगा तो चीजें ब्लॉक होंगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर अर्थ एलिमेंट होगा तो हेल्थ रुक जाएगी, जो लोग ग्रो नहीं कर पाते, एक सर्टन बीमारी बहुत लंबे टाइम से साथ में चल रही है, रुकी हुई है, ना इलाज बढ़ रहा है ना वो ज्यादा परेशान कर रही है, इस बीच में अगर आप अटके हुए हो तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अर्थ एलिमेंट होगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर अर्थ एलिमेंट होगा तो इस तरीके से होगा जैसे आपके दिमाग पर किसी ने बोझ रख दिया हो, जैसे आपके दिमाग को किसी ने पूरे तरीके से पकड़ लिया हो और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, या आपके दिमाग का पानी सूख गया हो। जैसे आप पानी के ऊपर अगर मिट्टी डाल देते हैं तो मिट्टी उस पानी को सोख लेती है, तो वैसे आपके दिमाग का पानी सूख गया हो, इस तरीके के सिम्टम्स आपकी लाइफ में आएंगे। अर्थ की फॉर्मेशन क्या क्या है, येलो कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया, मिट्टी की कोई भी चीज हो गई, ब्रास एलिमेंट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को होल्ड करती है, जैसे ओवरहेड वाटर टैंक हो गया, एक नॉर्मल पानी की बॉटल हो गई, पानी का ग्लास हो गया, आपकी किचन में लगा हुआ आरओ हो गया या मटका हो गया, ये सब अर्थ एलिमेंट होते हैं। एक सेकंड, लोगों को अगर लिखना है तो आप सभी लोग आराम से लिख सकते हैं, एक बार दिखाइए जूम। आप लोग आराम से लिखिए इस बात को, क्लियर हो रहा है सबको? जी, जो लोग नए हैं उन्होंने पुराने वाले सेशंस देखे हैं, देख के आए हैं? जी, कुछ लोगों के क्वेश्चन अभी भी वैसे आ रहे हैं, जैसे एसी का एलिमेंट क्या है, नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट है तो क्या है, और बालकनी है तो क्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। अभी जिस्ट को समझिए, जिस्ट का मतलब बेसिक लेवल पे समझिए कि बीमारी के रूट कॉज क्या है, अर्थ एलिमेंट कैसे देखना है और कैसे अपनी आई को डेवलप करना है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला एलिमेंट इस तरीके का होता है, ये यहाँ पर आ गया तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जी, यस, गौतम जी का क्वेश्चन अच्छा आया है कि मैंने बोला था फायर इज गुड इन वेस्ट बट इन बैलेंस्ड फॉर्म। जैसे जो लोग खाना बनाते हैं वो रोटी को जब सेकते हैं तो वो एक बैलेंस फायर में सिकेगी, जब भी वो भड़क जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और जब वो कम हो जाएगी तो रोटी सिकेगी ही नहीं। इसलिए वेस्ट की जो फायर है उसको बैलेंस करके रखोगे तभी वो अच्छे रिजल्ट देगी, अदरवाइज आपके गेम्स में आग लगा देगी, या आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड कर देगी गेम्स के लिए, बट आप उससे रिजल्ट्स नहीं ले पाओगे। ओवरहेड वाटर टैंक अर्थ है, अर्थ वाला वापस रिपीट कर दीजिए, अर्थ वाला मैं वापस रिपीट, सारे ही मैं वापस रिपीट कर देता हूं, कोई गैप नहीं है। क्या अर्थ में प्लांट लगा सकते हैं मिट्टी के?
दोबारा से मैं आपको एक बात बोल दूं, प्लांट्स एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट अर्थ में लगाओगे तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो अर्थ एलिमेंट में प्लांट्स नहीं आ सकते। डन, एक बार दोबारा से स्क्रीन लगाओ, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। पहला पहली स्लाइड, यही थी जी। मैंने ये बताया कि वाटर एलिमेंट फायर का एंटी एलिमेंट है, जो वाटर है ये फायर का एंटी एलिमेंट है। जब जब इसके अंदर ये आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसके जोन्स कौन से हैं? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। इसके जोन्स कौन से हैं? ये तीनों। तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वाटर का कलर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, कलर क्या है? ब्लू। कलर क्या है? ब्लैक। मेटल क्या है? अल्यूमिनियम। शेप क्या है? वेवी। इन सभी फॉर्म में जब भी वाटर एलिमेंट यहां पर आएगा, इन सभी जोन्स में आएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। कैसी प्रॉब्लम होगी? जो भी एट्रीब्यूट्स इस पर्टिकुलर जोन के हैं वो आपकी लाइफ से डूबते चले जाएंगे या बह जाएंगे, निकल जाएंगे हाथ से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स हैं। आगे, एयर जो है वो अर्थ की एंटी है या अर्थ को काटती है। तो अर्थ के जोन कौन से हैं? साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। एयर एलिमेंट क्या क्या है? जैसा आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, स्टील है, और क्या है? प्लांट्स है। ये सब एयर एलिमेंट्स हैं, जो बेसिकली आपको देखते पता लगता है कि ये एयर एलिमेंट है। जब जब ये अर्थ में आएंगे, अर्थ में आने का मतलब क्या है? साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में आएंगे, तब ये इन दोनों के चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इन दोनों की चीजों का मतलब क्या है? साउथ साउथ वेस्ट क्या देता है? एक्सपेंडिचर, डिस्पोजल, आर्टिस्ट, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपके एक्सपेंडिचर्स में ग्रोथ दे देंगे, एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देंगे, आपकी समझ खत्म हो जाएगी कि एक्सपेंडिचर कहां होने चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर जो डिस्पोजल है वो आपको नुकसान करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपका पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि एयर एलिमेंट ने आपके डिस्पोजल को खराब कर दिया। साउथ वेस्ट किस चीज का है? रिलेशनशिप्स का, स्किल्स का, स्टेबिलिटी का। तो जब भी प्लांट आएंगे आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे, स्किल्स खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, प्लांट ग्रीन कलर जब भी इसमें आएगा वो आपको नुकसान देगा। आगे, फायर अगर स्पेस में आ जाएगी तो आपको क्या करेगी? एजुकेशन, आपके गेन्स, आपका डिप्रेशन, इन सभी चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वहां पर आग लगा देगी। आग लगाने का मतलब क्या होता है? चीजों में आग लग जाने से चीजें जल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फायर एक्शन ओरिएंटेड है, तो जो एक्शन आप एजुकेशन के लिए करते हो उसमें आग लग गई, मतलब रिजल्ट नहीं मिले। जो एक्शंस आप गेम्स के करते हो उसमें रिजल्ट नहीं मिले। जो एक्शन आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए करते हो, रिलैक्स करने के लिए करते हो, उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे और प्रॉब्लम आती चली जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। आगे, अर्थ एलिमेंट अगर वाटर एलिमेंट में आ जाएगा तो वो अर्थ क्या करती है? ब्लॉक करती है, चीजों को रोकती है। तो NNW में आएगी तो अट्रैक्शन को रोक देगी, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा आप लोगों की जिंदगी से, अट्रैक्शन चला जाएगा, इंटिमेसी की प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिटल लाइफ हैम्पर हो सकती है, उसको ब्लॉक कर देगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज को, आपके प्रमोशंस को ब्लॉक कर देगी, आपकी हेल्थ को ब्लॉक कर देगी, आगे मूव नहीं कर पाओगे, जल्दी उपाय नहीं आएंगे, आपके माइंड को ब्लॉक कर देगी। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, ये सारे एंटी एलिमेंट्स की फॉर्म में जब जब आएंगे तो एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आगे,
स्पेस एयर का एंटी है, अगर हम स्पेस की बात करें तो ये एयर एलिमेंट का एंटी है। स्पेस क्या करता है, मैनिफेस्टेशन करता है, पूर्ति करता है। तो आपकी हैप्पीनेस की मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगी, आपकी पूर्ति नहीं होगी हैप्पीनेस के कॉन्टेक्स्ट में, रीजर्नेशन नहीं होगी, रीग्रोथ नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगी किसी भी चीज की, अगर यहां पर मैनिफेस्टेशन वाला एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट आपके एयर एलिमेंट के फर्स्ट जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो अगर ईस्ट में आ गया तो क्या करेगा, आपके कनेक्शंस की पूर्ति नहीं करेगा, मतलब कनेक्शन से जो गेन्स आने थे, स्पेस एलिमेंट किस चीज को देता है, गेन्स को, मैनिफेस्टेशंस को, जो आपके गेन्स आने थे अपने कनेक्शंस के कारण वो सब खत्म कर देगा, मिटा देगा, क्योंकि उस चीज की मैनिफेस्टेशन कभी हो ही नहीं पाएगी। और अगर एंजाइटी में अगर आ गया स्पेस एलिमेंट तो क्या करेगा, आपके दिमाग से निकले हुए अमृत को कभी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली डायरेक्शन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देती है, और ये डायरेक्शन मैनिफेस्टेशन देती है। मैनिफेस्टेशन की पावर ही कभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी, मैं सोच ही नहीं पाऊंगा कभी लाइफ में पॉजिटिव कि मुझे ये करना भी है, अगर स्पेस एलिमेंट ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया। इस तरीके से आपको एलिमेंट के गुणधर्म अच्छे से याद होने चाहिए कि एक एलिमेंट क्या क्या दे सकता है और कहां पर किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आगे एक बार मैं आप लोगों को दोबारा क्लियर करूं, एंटी एलिमेंट्स में जब भी ये यहां पर आया इसने नुकसान कर दिया, 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 ये यहां पर आया इसने नुकसान कर दिया। अब आप एक बात का और ध्यान देंगे, अगर फायर भी वाटर में चली गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अर्थ वाटर भी अर्थ में आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंटी तो एंटी ही है, चाहे ये यहां पर जाए चाहे ये यहां पर जाए, ये दोनों ही एक दूसरे की रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसा इसका एट्रीब्यूट है और जिस जोन में वो चीज चली गई। फॉर एग्जाम्पल फायर नॉर्थ में आ गई तो क्या होगा, फायर का एट्रीब्यूट क्या है, एक्शन, आग लगना। कहां पर आ गई, नॉर्थ में। नॉर्थ क्या है, वाटर। एट्रीब्यूट क्या है, अपॉर्चुनिटीज। तो आपके अपॉर्चुनिटीज में आग लग जाएगी। जब भी फायर नॉर्थ में आएगी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज में आग लग जाएगी। अगर अर्थ आएगी नॉर्थ में, क्योंकि ये इसको डिस्ट्रक्ट करता है, तो अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाएंगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको हमेशा याद रखना है या आपको
देखते आना चाहिए. एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हो इसको याद रखने के लिए, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में हो, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में हो, उस जोन में जाके चेक कीजिए कि क्या है. किसी को फायर मिलेगी, किसी को अर्थ मिलेगा, किसी को टॉयलेट मिलेगी, किसी को कुछ भी मिल सकता है. सिर्फ एक बार को वो चेक कीजिए और उसको मैच कीजिए बस. अभी के लिए रटिए मत कि अर्थ होने से क्या होगा, फायर होने से क्या होगा. सिर्फ इस बात को समझिए कि अगर अपॉर्चुनिटी से प्रॉब्लम है तो नॉर्थ में जाके देख लूं कि क्या है. जो भी होगा उसको हटाने से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. क्लियर है सबको? डन. बहुत सारे लोगों के लिए सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम है. रीना अग्रवाल जी, क्लियर है मैम आपको? पक्का? बड़ा उदास सा चेहरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि टेंशन में है आप, दिखाई दे रहा है यहां से. डन. आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ज्योति जी समझ में आ रहा है जी? परफेक्ट. हमें सिर्फ समझना है एक बार, धीरे धीरे हम लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा. एनी में दीपक जलाना क्या इफेक्ट देगा, इस पे बात करते हैं. एनी टॉयलेट नो रेमेडी? यस, एनी टॉयलेट की नो रेमेडी. अगर वाटर फायर के जोन्स में आ गया तो क्या वाटर के जोन्स भी खराब होंगे एज ऑन अदर एलिमेंट वाइस वर्सा? वाटर फायर के जोन्स में आ गया तो वाटर के जोन्स पर कोई असर नहीं होगा, सिर्फ उसी जगह पर होगा जिस जगह पर वो गया है. आप सभी लोगों को एलिमेंट्स क्लियर हुए? अब किसी के घर में अगर टॉयलेट है, किचन है या एंटी एलिमेंट है तो आप पकड़ पाएंगे कि वहां पर क्या दिक्कत है? परफेक्ट. तो आधे से ज्यादा वास्तुशास्त्री बन गए. डन. परफेक्ट. नो. नॉर्थ में दिया जलाने का भी कुछ इफेक्ट होगा. दिया क्या है? देखो, दिया हम नॉर्थ ईस्ट में क्यों जलाते हैं, ये देवता का एक विषय है. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो देवता है आदित्य, उनका सिख ही और आदित्य, इनका काम है विजन देना. विजन, रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट देना, आप लोगों को उजाला देना. तो वहां से वहां पर दिया तो रखा जा सकता है, क्योंकि दिया आप लोगों के घर में फायर को रिप्रेजेंट नहीं करता. फायर को हमारे घर में रिप्रेजेंट करने वाली चीज होती है गैस बर्नर, रेड कलर. दिया एक रोशनी है जिस रोशनी के सारे हम लोग देखते हैं या हमारा विजन डेवलप होता है. इसलिए माइंड की दिशा में दिया रखने से आपका विजन अच्छा डेवलप होता है. इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के मंदिरों में दिया रखा जा सकता है. आगे बढ़े. प्लांट्स एयर एलिमेंट हैं. जब भी प्लांट्स किसी दिशा में आते हैं तो एयर एलिमेंट वहां पर एस्टेब्लिश हो जाता है. तो एयर एलिमेंट की कौन सी दिशा है? ईस्ट दिशा है, वहां पर प्लांट्स रखे जा सकते हैं. नॉर्थ को कम करते हैं, इस बात को हम बाद में जब बार चार्ट सीखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा. और फायर को बढ़ाते हैं प्लांट्स. जब भी एयर फायर में जाएगी तो उसको एनहेंस करेगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्योंकि वो उसकी पेरेंट है. और नॉर्थ क्योंकि उसका चाइल्ड है तो वहां पर अगर प्लांट जाएंगे तो उसको कमजोर करेंगे. रेस्ट कहीं पर भी वो जा रहे हैं तो वो उसके एंटी हैं और उनकी ग्रोथ उसका पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव है. तो उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर प्लांट है उस जगह के एट्रीब्यूट्स में ग्रोथ रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी. देन डन. अपने अपने घरों को दोबारा से साइड में रख दीजिए. जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पर ओटीजी है, वहां पर ओवन है, यहाँ पर वो है. इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी समझिए. अगर समझना रह गया तो हम कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे या इस विषय को सीख नहीं पाएंगे. और एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे थोड़े दिन पहले किसी ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी ने ग्रुप में एक मैप डाल दिया, जिस मैप को वो किसी क्लाइंट को दे रहे थे वास्तु परफेक्ट करके.
सो मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों में से कोई ऑथराइज्ड है, आप लोग खुद अपने आप को समझते हो, आप लोग काम कीजिए, बट ऐसा कुछ मत कीजिए कि एक नॉन जेन्युइन चीज आप बाजार में किसी को दें। अगर आप अपने आप को ऑथराइज समझते हैं तो दीजिए, मैं आपका या मेरी टीम आपके लिए एक वास्तु परफेक्ट नक्शा तैयार करके दे देंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ना ही हम ऐसा करने वाले हैं। हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं उसको बनाने में, हमारे खुद के चार्जेस हैं एक प्रोफेशनल काम को करने के। एक परफेक्ट वास्तु ऑस्पिशियस घर बनाने के लिए मैं आगे आने वाले टाइम पे केस स्टडी भी शेयर करूंगा। सिर्फ ये दिशाओं का रोल नहीं है, उसकी लेंथ विड्थ मेजरमेंट्स का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है। प्लॉट सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस जगह की मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस जगह की नींव का, कहां पर उसकी नींव रखी गई नए डिजाइन में, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुहूर्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन सभी चीजों को मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। तो कुछ भी ऐसा प्रॉमिस आप ना करें जिससे कल को आप लोगों को ही दिक्कत आए। डन? और किसी के कुछ डाउट्स तो हम क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे या हम चर्चा क्लोज करेंगे। और एकादशी पे हमारा मेडिटेशन दोबारा होगा, सेम टाइम पर होगा शाम को। और जो भी लोग आगे की जर्नी में जुड़ रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो भी लोग आगे की जर्नी में जुड़ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स 8548 2012 पर पहुंच जाती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं। वहां पर अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपके लोकल सहयोगी जो बने हैं उनके नंबर्स आप लोगों के पास में बहुत जल्द आ जाएंगे, आप उनसे जाके मिलिए, उनसे अपने काम करवाइए, वहां से भी मेरे को सॉल्यूशंस मिलेंगे, मैं आप लोगों की सहायता करूंगा। वहां पर भी नहीं होता है तो मेरी खुद की टीम के चार लोग आप लोगों के साथ में हमेशा रहेंगे, काम करते रहेंगे। और जो लोग पूरी जर्नी में मेरे साथ में हैं, आगे तक सहयोगी बनके, हम लोग का विजन क्या है, हर शहर में अगर आप लोग होते हो तो जो भी काम हमारे पास उस शहर में आता है वो भी आप लोगों के पास पार्क होगा, फीसेस फिक्स कर ली जाएंगी, रिजल्ट के बाद में पैसा लेना है पहले लेना है, इस तरीके से आप लोगों को बता दिया जाएगा। वो सहयोगी मिल के साथ में जो भी उनको प्रॉब्लम आती है, मैं वन टच वन कॉल दूर रहूंगा, पर्सनल ग्रुप पे रहूंगा और कॉल्स पे अलग अलग जूम सेशंस पे आप लोगों के हमेशा साथ में रहूंगा। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो वो मैं क्लियर करूं। सर मेडिटेशन का टाइम थोड़ा लेट हो सकता है क्या, इफ पॉसिबल? 9 बजे तो रखा है हमने, 9:30 का टाइम है, आई थिंक उससे लेट तो फिर नींद आ जाएगी। कैन वी कीप ब्रास यूटेंसिल्स? यस वी कैन कीप ब्रास यूटेंसिल्स, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन वेयर वी गोना यूज इट। हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ आइटम्स, टीवी स्पीकर टॉयज बुक्स क्लोक कैबिनेट? मस्त क्वेश्चन है ये वाला, एक सेकेंड। हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ टीवी स्पीकर टॉयज बुक क्लोक्स? परफेक्ट। किसी भी चीज के एलिमेंट्स को देखा कैसे जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई चीज जब आपको कनेक्ट करवाती है, जैसे स्पीकर्स हैं, ये कनेक्ट भी करवाते हैं और हैप्पीनेस की फीलिंग भी देते हैं, तो ये स्पीकर्स आपके एयर एलिमेंट के हुए। और उनका कलर कौन सा है? जनरली ब्लैक होता है, तो वो वॉटर एलिमेंट का कलर है और वो उसकी मेन गुणधर्म एयर एलिमेंट का है। बुक्स हमें नॉलेज देती है, तो नॉलेज के लिए कौन सा जोन होता है? वेस्ट साउथ वेस्ट। नॉलेज के लिए दिशा कौन सी है? वेस्ट साउथ वेस्ट। तो उसका एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट है, तो वो स्पेस एलिमेंट के हुए। टीवी क्या करता है? नेटवर्क्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन पास करता है, एक चीज को दूसरी चीज हम तक कनेक्ट करवाता है, पहुंचवाता है, तो टीवी वॉटर एलिमेंट का हुआ। इस तरीके से कोई भी चीज है उसका गुणधर्म देखकर आप कनेक्ट करवा सकते हैं। आपका फोन वाटर एलिमेंट का होता है क्योंकि फोन को जब बनाया गया वो किसी से कनेक्ट करके अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया। फेंग शुई एंड वास्तु आर दे सिमिलर? मुझे फेंग शुई नहीं पता, मैं फ्रेंकली बताऊं, एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फेंग शुई से ही लिया गया है, या एलिमेंट्स सबसे ज्यादा यूज फेंग शुई में होते हैं। फेंग शुई जो मानते हैं वो पर्टिकुलर मंथ और कैलेंडर के हिसाब से कुछ एक साइंस को फॉलो करते हैं, वो कितनी ऑथेंटिक है और किस तरीके से रिजल्ट देती है नहीं पता।
बट वास्तु एक बहुत पुराना विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ है, वहां से ट्रैवल किया है। सबसे पहली बार वास्तु को देखा गया था माया नगरी महाभारत में, जो माया नाम के आर्किटेक्ट थे उन्होंने उसको डेवलप किया था, तो वहां से प्रचलन स्टार्ट हुआ, बहुत पुरानिक है। तो फेंगशुई कैसे आया क्या आया इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है, वो अलग अलग कैलेंडर्स और अलग अलग महीनों के हिसाब से कलर्स और इस पे बात करता है। कौन सा वाला? ये कैन वास्तु करेक्शन हील द हाउस विच इज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, जी डरा रहे हो आप तो। हाँ, ऐसी ऐसी चीजें सॉल्व होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उसके बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं। पहले उस चीज को कंफर्म किया जाता है कि वाकई में ऐसा है क्या। अगर ऐसा है, इस वाले टॉपिक को हम एडवांस में डाल लेते हैं, डन, हम एडवांस में इस वाले टॉपिक को डाल लेते हैं और फिर लाइव एग्जाम्पल तो कैसे करके दिखाएंगे इसका। कोशिश है कि अगर हो सके तो मैं कोई केस स्टडी अगर मेरे पास इस चीज की पड़ी हो, बट हाँ ऐसा होता है और हम आपको केस स्टडीज के सारे इस चीज को बताएंगे कि कैसे उसको देखा जाता है और फिर उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। यस, एक केस स्टडी मुझे अभी याद आई, यहाँ पर वो है क्या संजीव जी के, गोविंद बैठा होगा, गोविंद है ना, गोविंद, गोविंद आप यस करेंगे एक बार, आप बैठे हैं, आई थिंक मैंने आपकी इमेज देखी थी। पता नहीं मुझे गोविंद गोविंद गोयल मुझे नहीं पता बैठे हैं कि नहीं। गोविंद के फादर के साथ में मैं एक जगह पर प्लॉट सिलेक्शन के लिए गया था। कहां पर है गोविंद? यस, गोविंद को भी हम देखते हैं, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। गोविंद के फादर के साथ में मैं प्लॉट सिलेक्शन पे गया था, मेरी उनसे फर्स्ट मीटिंग थी, हम कोई 6-7 बिल्डर प्रोजेक्ट को साथ में काम कर रहे थे और एक प्रोजेक्ट की फाइल पर देख के मैंने ये बोला था कि यहाँ पर कोई इंसान है, उसकी डेथ हुई है। गोविंद अपने फादर से कंफर्म करेंगे इस बात को। और ये वाला प्लॉट बहुत मुश्किल से हम इसको सेटिस्फाई बना पाएंगे, इस पे हम बहुत मुश्किल से काम कर पाएंगे। आप गोविंद आप हैं, आप अपने फादर से इस बारे में पूछिएगा। तो संजीव जी इनके फादर के नाम है, तो हमने उनसे बात करी थी और मैं उनके साथ में पहले 5-7 हम फाइल्स पे काम कर रहे थे, जैसे ही वो फाइल सामने आई तो मैंने बोला कि जी इसमें गड़बड़ है, तो उन्होंने बोला ये यही तो नक्शा है जो हमने बहुत अच्छे से बनाया है। तो मेरा कुछ जवाब ऐसा था कि नहीं, इसमें बहुत टाइम लगा होगा और मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ डेप्थ हुई है। तो वो उस समय शांत रहे क्योंकि कोई और हमारे साथ में बैठा था। फिर हम उस प्लॉट में गए, प्लॉट में जाने का मन भी नहीं किया और फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने इस बात को वैलिडेट किया कि हाँ हमारा जो गार्ड था उसकी डेथ इसमें हुई है और ऐसी प्रॉब्लम्स है। फिर हमने कुछ रेक्टिफिकेशन उस प्लॉट में किए और अब वो प्लॉट हमारा पूरा विद बिल्डिंग आई थिंक बिक चुका है। जो मेरी कल परसों मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमारी बात हुई थी कि वो बिक चुका है गोविंद, राइट। So, ये होता है, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है उसकी केस स्टडी मेरे पास वैसे नहीं क्योंकि मैं बहुत घूम रहा था, उनके फादर मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनके साथ मैं घूम रहा था, वहां पर जाकर मैंने उसको चेक किया, वो चीजें वैलिडेट हुई, फिर वो प्लॉट हमारा आज बिक भी गया, हालांकि मुझे उसके चांसेस बहुत कम नजर आए थे नेगेटिव एनर्जीज के कारण। जी हाँ, अभी हमें दो नंबर देने हैं, एक ड्राफ्टमैन कंपनी का नंबर देना है, एक सहयोगी सहयोगी का नंबर पार्ड है, तीनों नंबर पार्ड है। आप लोग जिन लोगों को सहयोगी ही बनना है, आगे मिलकर काम करना है हमारे साथ में, वो अपने नंबर्स को पार्क कर देंगे, उसकी फॉर्मेलिटी हम लोग कंप्लीट करते हैं, आप लोगों को वो टेक्निकल इश्यूज जो भी टेक्निकल चैलेंजेस उसमें आ रहे हैं वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे और फिर मिलकर काम करते हैं। प्लॉट गमला कलर ऑल्सो क्रिएट इंपैक्ट, यस, गमले का जो कलर है वो भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका प्लांट है वो एयर एलिमेंट है लेकिन आपने उसमें लाल कलर का गमला लगा दिया तो वो फायर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि उसका कलर सही हो। वॉन्ट टू बी सहयोगी, जो लोग सहयोगी बनना चाहते हैं वो एक नंबर हमने दिया है, उस नंबर पर मैसेज कीजिए, वो जो भी नंबर है, टीम वाला नंबर नहीं, एक अलग से सहयोगी का नंबर है,
उसको मैसेज कीजिए, फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट होता हूँ, एक पर्सनल मीटिंग हम लोग रखेंगे जूम पे, फिर हम कनेक्ट करते हैं इसके ऊपर। ये वाला टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा एडवांस के अंदर, हम इस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करेंगे स्पिरिट वाले पे। आई थिंक आज के लिए क्लियर है, कल तक आप सभी लोग पढ़ के आइएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेंगी, नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे से नोट्स हैं जो मेरे को लगता है आप लोगों को देने चाहिए, वो आप लोगों के व्हाट्सएप पे आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना आप सभी के पास जी, तो वो सारे नोट्स आप लोगों के पास में आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। और उसके बाद में हम लोग कल प्रैक्टिकल करेंगे, ग्रीडिंग कैसे करी जाती है और डिग्री कैसे ली जाती है, इस तरीके की बातों पे हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने डाउट्स को तैयार रखिएगा और एलिमेंट्स को रट लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप योर एल्डर्स हैप्पी एंड नेवर फॉरगॉट चैरिटी बिगिंस एट होम। थैंक यू वेरी मच।